राजधर्म निभाते निभाते यदि पतिधर्म बीच में आ जाए तो मुश्किल, और पतिधर्म निभाते निभाते यदि राजधर्म बीच में आ जाए तो और बड़ी मुश्किल। अब भाई इतनी बड़ी मुश्किलें एक के बाद एक जब लगातार आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंसान खुद ब खुद बेहद परेशान हो जाता है। यही हाल हो रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिनके सामने आ खड़ी हुई है एक के बाद एक मुसीबत। हाल फिलहाल की बात करें तो अब चंद्र ने जब नंद को उतार दिया है मौत के घाट, तो एक बार फिर से नंदिनी के भाई की एंट्री दिखा दी गई है। अब चंद्र नंदिनी के मासूम भाई को मारना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी महाराज चंद्रगुप्त मौर्य मजबूर हो चले हैं गुरु चाणक्य के आदेश के आगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चंद्र चाणक्य के आदेश को तो सुन लेगा, लेकिन उसके बाद जब वो नंदिनी और उसके भाई के बीच का प्रेम देखेगा तो वो बेहद भावुक हो जाएगा। उसे लगेगा कि अब वो कैसे नंदिनी से उसके जीवन की ये आखिरी खुशी छीन ले, वो कैसे उसके मायके में बचे इस आखिरी शख्स को भी उससे छीन कर जुदा कर दे। अब चंद्र के इन भावुक पलों को देखकर हमें पूरी उम्मीद है कि व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे, लेकिन काफी दिलचस्प रहेगा ये देखना कि आज चंद्र किसे चुनेगा, गुरु चाणक्य या फिर नंदिनी। सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, जुड़ जाएं हमारे साथ और पाएं तमाम लेटेस्ट अपडेट अपकमिंग एपिसोड से रिलेटेड। टॉप न्यूज की रिपोर्ट।